आशिकी 3 के लिए एक्ट्रेस फाइनल हो गई। मेकर्स ने सॉटी की एक्ट्रेस को कार्तिक के अपोजिट साइन करने का मन बनाया है। क्या वाकई में कार्तिक आर्यन के साथ रोमांस करेंगी तारा सुतारिया? जी हाँ, कार्तिक संग अब रोमांस करेंगी तारा सुतारिया, ऐसी खबरें फैली पड़ी हैं। लेकिन अब इस पर फिल्म मेकर मुकेश भट्ट और डायरेक्टर अनुराग बसु ने सच का खुलासा कर दिया है और बता दिया है कि कार्तिक की हीरोइन आखिर तारा बन रही है या फिर नहीं। देखिए, आशिकी फ्रेंचाइजी की मोस्ट अवेटेड पार्ट 3 लंबे वक्त से चर्चा में है। फैंस फिल्म के और अपडेट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन मेन लीड में हैं और इसका डायरेक्शन अनुराग बासु करने वाले हैं। जब से कार्तिक आर्यन को मेन लीड के लिए फाइनल किया गया है, तब से कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि लीड एक्ट्रेस कौन होगी। फिल्म आशिकी 3 में तारा सुतारिया के शामिल होने की अटकलें तब शुरू हुई जब उन्हें और कार्तिक आर्यन को हाल ही में मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया था। कुछ फैंस को हैरानी हुआ कि क्या वो शहर में नए जोड़े थे। लोगों ने कयास लगाना स्टार्ट कर दिया कि कार्तिक और तारा साथ में फिल्म आशिकी 3 तो नहीं कर रहे हैं, और देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और फैंस इस बात को सच मानने लग गए थे कि अब कार्तिक तारा के साथ रोमांस करेंगे। लेकिन बात को बढ़ते देख फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर फौरन आगे आए और उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। बॉलीवुड निर्माता मुकेश भट्ट और डायरेक्टर ने अपकमिंग रोमांटिक म्यूजिकल आशिकी 3 में कार्तिक आर्यन के साथ मेन लीड निभाने वाली एक्ट्रेस तारा सुतारिया की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है और तारा इस भूमिका के लिए विचार भी नहीं कर रही हैं। मुकेश भट्ट ने बताया कि ये खबर बिल्कुल बकवास है और उन्होंने अभी तक फिल्म के लिए किसी एक्ट्रेस को फाइनल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो मेन लीड के बारे में तभी विचार करेंगे जब उनका म्यूजिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि गाने आशिकी फ्रेंचाइजी के स्टार्स हैं। ये बिल्कुल बकवास है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्या मैं तुम्हें सच बताऊं? तो मेरा म्यूजिक तैयार होने से पहले इस भूमिका के लिए किसी लड़की के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। ये गाने पहली और दूसरी आशिकी के स्टार्स थे। इस फ्रेंचाइजी को किसी स्टार्स की जरूरत नहीं है। हम इस बार एक स्टार को पाकर खुश हैं, लेकिन बाकी सब पूरी तरह से म्यूजिक पर डिपेंड करता है। वो जिस तरह से और अपनी इच्छा अनुसार टीम के साथ फिल्म बनाएंगे। क्या आपको पता है कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है? मैं ये हमेशा के लिए साफ कर रहा हूँ कि आशिकी मेरी फ्रेंचाइजी है। मैं इसे वैसे ही बनाऊंगा जैसा कि मैं चाहता हूँ और जिस टीम के साथ मैं चाहता हूँ उसके साथ ही बनाऊंगा। जब मैं आशिकी के साथ फ्लोर पर जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर अनुराग बसु अभी भी फिल्म का डायरेक्शन करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम किसी और को ले लेंगे। इतना ही नहीं, तारा सुतारिया के कास्टिंग पर अनुराग बसु ने कहा, सब कुछ अटकलें हैं और अभी तक किसी को भी फाइनल नहीं किया गया है। डायरेक्टर ने आगे कहा, नहीं, फिल्म की फीमेल लीड अभी फाइनल नहीं हुई है, वहाँ सब कुछ अटकलें हैं, अभी तक किसी को फाइनल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर मेकर और डायरेक्टर की जोड़ी ने अपने अपने हैंड से क्लियर कर दिया है कि फिल्म में कार्तिक के संग इश्क लड़ाने के लिए तारा सुतारिया को कास्ट नहीं किया जा रहा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।